बंगाल के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई। स्वच्छ धुले वस्त्र पहने एक युवक ने कुली कुली पुकारना प्रारंभ किया। युवक के पास कोई भारी सामान नहीं था, केवल एक छोटी पेटी थी। भला देहात के छोटे से स्टेशन पर कुली कहाँ, परंतु एक अधेड़ व्यक्ति साधारण ग्रामीण जैसे कपड़े पहने युवक के पास आ गया। युवक ने उसे कुली समझकर कहा, तुम लोग बड़े सुस्त होते हो, ले चलो इसे। उस व्यक्ति ने पेटी उठा ली और युवक के पीछे चुपचाप चल पड़ा। घर पहुंचकर युवक ने पेटी रखवा ली और मजदूरी देने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों, युवक ने आश्चर्य से पूछा। किंतु उसी समय युवक के बड़े भाई घर में से निकले और उन्होंने उस व्यक्ति को प्रणाम किया। अब युवक को पता लगा कि वह जिससे पेटी उठवा कर लाया है वे तो बंगाल के प्रतिष्ठित विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। युवक उनके पैरों पर गिर पड़ा। विद्यासागर बोले, मेरे देशवासी व्यर्थ अभिमान छोड़ दें और समझ लें कि अपने हाथों अपना काम करना गौरव की बात है। वे स्वावलंबी बने, यही मेरी मजदूरी है।